हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कृष्णा के ड्रीम वाले गाने पे। बिल्कुल, जो स्टिल हेयर एल्बम से है, हमसे मिस हो गया था। हाँ। या हम कर नहीं पाए। बिल्कुल, तो हमने सोचा अब रिएक्शन पे बनाते हैं। हाँ। क्योंकि गाना तो अच्छा है ही। हाँ। तो सुन गाना है। सुना जब हमने, तो उसके बाद हमें लगा यार, क्योंकि ओजी में यार कृष्णा ने मतलब जो वाइब दी ना यार, मतलब ये इसमें स्टोरी टेलिंग है, उसमें स्टोरी टेलिंग है, पर वो ना ओजी वाले में स्टोरी टेलिंग जो है वो है, मतलब हर रैपर के हिसाब से। हाँ, हर एक वो एक टाइम पे क्या उसका एक पॉइंट पे वो पहुंच जाता है जिस पॉइंट पे, तो उसको दोस्त भी छोड़ने पड़ते हैं, पैसे के लिए काम करना पड़ता है, ये वो। और मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि पैसा होने का क्या फायदा अगर आप मरी अकेले रहे हो। सही बात है, अकेला तो सबसे बुरा ही होता है। सबसे बुरा मरना ही होता है कि आप अकेले मर रहे हो, आपके पास कोई आपकी कोई दुख मनाने वाला ही नहीं आपके लिए, सब खुशी मनाएंगे, मर गया अच्छा, या कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मर गया तो मर गया, हम क्या करेंगे। तो ये वाला सीन कृष्णा, मतलब वो गाना भाई दिल को टच कर गया। और वो हर रैपर के उसमें ना लाइफ में एक बारी पॉइंट आता ही होगा कि मैं अब कितना और अपना इम्प्रूव करूं, या मैं हर गाना निकालने से पहले उसे डर लगता होगा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वही मतलब सुनिए जाके, अगर आपने ओजी नहीं सुना कृष्णा का तो मैं प्लीज़ जाके सुनिए, बहुत ही खतरनाक ट्रैक है, बहुत लिरिक्स, यस डीप, बहुत ही नो वर्ड प्ले और नो नथिंग, हां सिंपल लिरिक्स, बहुत ही सही है, जाके आप चेक करें। अगर आपको हमारा रिएक्शन चेक करना है तो हम यहाँ पे लिंक दे देंगे, आप हमारा रिएक्शन भी चेक कर सकते हैं और आप ओरिजिनल ट्रैक भी सुन सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। चलो फिर चलते हैं ड्रीम पर, लेट्स गो रोशन सर, लेट्स गो। मैंने तो सुन रखा है गाना, पूरी एल्बम छांट रखी है मैंने तो। I just had a dream. मेरे को याद पूरा है। Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow's Terminal 5, and it is approaching 5:06 in the morning. London Metro ji hai. Please sit with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. 14 साल लंदन शहर लिखा पहला रैप, वो था मोमेंट फेल इन लव विद द पेन एंड बैट, मेरे पास भी था विल जैसे मैन इन ब्लैक, स्कूल में देते धमकी मैं भी। डायरेक्ट विल स्मिथ का रेफरेंस, मैन इन ब्लैक उसकी मूवी का नाम और विल स्मिथ एक्टर का नाम, पेन एंड बैट विल भी जैसे मैन इन ब्लैक, विल जैसे मैन इन ब्लैक, स्कूल में देते धमकी मैं भी सन की आज सेंड इट बैक, सबसे पॉपुलर रैपर था टॉय, रेडियो पे उसके गाने एवरीबॉडी नो द बॉय, उसने नाम दिया मुझे undercover था क्योंकि शक्ल से शरीफ, but on the mic I fuck it up. Validation थोड़ी आने लगी, हाथ स्कूल में गैंगस्टर देते भाव करने लगे मुझसे बात, इब्राहिम भाई मजा कृष्णा, मतलब एक तरीके से स्टोरी टेल, अपनी स्टोरी बता रहा है, हंसने नहीं आ रहा है। हां आई एम अ बी लवर, but on the mic I fuck it up bro man, तो मैं पहले से इसीलिए मेरा अंडरकवर ठग नाम रहा। थोड़ी आने लगी हाथ स्कूल में गैंगस्टर देते भाव करने लगे मुझसे बात, इब्राहिम बना दोस्त सुनता कौर में गौर नाज, उसकी वजह से मैंने जाके रिकॉर्डिंग करी स्टार्ट, बांस फील्ड स्टेट में था किसी का स्टू, जिसमें गाना रिकॉर्ड करने की इच्छा थी मेरी खूब, तो नाम रखा फिक्सर और बनाया मैंने क्रू, बने हम द रॉयल रैपर्स इन 2002। दो की बात है ब्रो, 2002 में 4 साल का था उस टाइम। चर्चा होने लगी बढ़ने लगी बात, मुझे अपनाने लगे लड़के जो स्कूल में थे हार्ट, लोग उसको रोक रोक के बोल रहे हैं भाई रैप कर दे, भाई प्लीज रैप कर दे, क्या तू रैप कर सकता है प्लीज एक मिनट के लिए, ऐसी बातें सुन के मैं भी होने लगा खुश, हैंगिंग विद द क्रुक्स मेरी बदली पूरी लुक, बैगी टैक्स एयर मैक्स ऑन माय फुट, टपार का जैकेट विद द फर ऑन द हुड, एयर मैक्स मेरी फेवरेट है, हो गया अडिक्ट सा, खरीदा सस्ता माइक और लगाया ऑन द मिक्सर, रिकॉर्ड करे जाके मैंने टेप पे टेप, वर्सेस थे एक से एक का, नो यू गेट द पिक्चर, मैं था खुश, मैंने ढूंढी अपनी कॉलिन, रात को पायरेट रेडियो स्टेशन पे करता कॉलिन, जैसे ही स्कूल में मुझे थोड़ी पहचान मिली, नेक्स्ट थिंग आई नो आई एम ऑन अ फ्लाइट बैक टू दिल्ली,
जैसे डील मिली अब मुझे पता चला आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली, वापस मेरा इंडिया आने का टाइम आ गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लगा होगा, हर किसी को लगेगा यार। और स्टोरी टेलिंग अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। ओजी की तरह इसमें भी ना वो दर्द है। उम्र 16 दिल्ली भी लगने लगा अब नया, हाँ। मैं अक्सर यार की दर फंस गया, जो बनाया वो गवाया, मुझे बहुत फिकर क्योंकि किसी को हिप हॉप का ना थोड़ा भी शौक इधर। 16 साल की उम्र में मैं इधर आया और मुझे बहुत फिक्र हो गई, जितना भी मैंने उधर बनाया था सही बात है वो सब खो गया था, क्योंकि इधर हिप हॉप चलता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं, वो ऐसे कह रहे जिक्र ही नहीं है। सही बात, मींस बिल्कुल हिप हॉप का कोई नामो निशान नहीं था जब वो 16 साल में इधर आया। बहुत फिक्र क्योंकि किसी को हिप हॉप का ना थोड़ा भी शौक इधर, स्कूल की कॉपी के पीछे लिखता था लिरिक्स अपने फेवरेट रैपर के फ्लो भी करता था मैं मिमिक, ऐसे निकले 2 साल आई थॉट इट वाज फिनिश पर 18 पे कॉलेज में मेरी बनने लगी इमेज में सुवन और टूडू जिनको रैप का था शौक, हमने बनाया एक ग्रुप इलिसिट कैश मॉब, 2005 रिकॉर्ड किए कुछ गाने हमने हिप हॉप नाइट दिल्ली में, लोग भी पहचाने हमें यंग एंड हंग्री, वो दिन अब लगते हैं बेस्ट, वी डिड रैप फॉर द चेक्स, वी जस्ट रैप फॉर रिस्पेक्ट, वी डिड रैप फॉर द चेक, रैप फॉर रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भाई जो चाहिए भाई, आज भी हर रैपर को रिस्पेक्ट पहले चाहिए भाई। We didn't rap for the checks, we just rap for respect. Yeah. 2006 mein solo artist bana next. Naam rakha prospect, I guess you know the rest. Ye prospect jo OG mein bhi naam liya usne, main kaha tha. Ye prospect wala naam pata hai mujhe. Artist bana next. Naam rakha prospect, I guess you know the rest. I just had a dream since I was just a teen, karna chahta tha main rap banana chahta tha main scene, yeah I just had a dream jab inko na yakeen, put my city on my back, aaj scene hai seen, yeah I just had a dream since I was just a teen, karna chahta tha main rap banana chahta tha main scene, yeah I just had a dream jab inko na yakeen, put my city on my back, aaj scene hai seen। एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट ही है तो प्लेन की है ये रिकॉर्डिंग, लैंडिंग होने से। हाँ सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें, कृपया अपना सारा सामान साथ ले जाएं। ओके तो ये लैंड कर गया। मैं व्हाट अ सॉन्ग है, व्हाट अ सॉन्ग स्टोरी है भाई, बहुत ऐसा है कि मेरे हिसाब से हाँ रैप के हिसाब से कि जब रैप इसने स्टार्ट करा तब से हाँ अभी तक की हाँ जब सीन सीन जैसा भी हुआ डाउन गया उसकी लाइफ में वापस उठ के आया फिर से नीचे गया फिर से ऊपर आया अंडरग्राउंड ठग नाम तो पता था और ऑन द माइक अ फक इट अप ब्रो और अभी भी किसी को फक्ड अप कर देगा ब्रो एक दिन में 3 मिल जाते हैं भाई मजाक नहीं है ब्रो वो ओजी वाला गाना तो सही में ब्रो वो गाना है भाई उस रिस्पेक्ट लायक है भाई वो बहुत तगड़ा उसको और व्यूज आने चाहिए कम्युनिटी शेयर करेगी तो मतलब ये नहीं है कि कृष्णा की लाइफ का ही सीन है वो वाला ओजी जो था वो हर किसी रैपर का है तो जिसको भी हिट करे भाई उसे शेयर करना चाहिए जैसे मैंने देखा मैंने राघा को फॉलो कर रखा है तो राघा ने तो शेयर करा और किसी का मैंने देखा नहीं ज़्यादा इंस्टा नहीं चलाया पर राघा को मैंने देखा था उन्होंने शेयर करा तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे कोई आर्टिस्ट बड़े आर्टिस्ट किसी और आर्टिस्ट को शेयर करते तो अच्छा लगता है यार हमें भी अच्छा लगता है और उस आर्टिस्ट को भी अच्छा लगता है और सब पे फैलती है अच्छी चीज़ें फैले तो अच्छा रहेगा टट्टी चीज़ें फैलेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना अच्छी चीज़ फैलनी चाहिए और बात रही ड्रीम की मैं खतरनाक वैसे तो पूरी एल्बम ही खतरनाक है पर ड्रीम में ही उसने थोड़ा अपना जो पीछे फ्लैशबैक था वैसे किसी गाने में नहीं बताया वैसे तो इधर उधर इंटरव्यू वगैरह में बता रखा है टेड टॉक वगैरह इन सब में पर ये सारी बातें पर नहीं होती हाँ हाँ मैंने अगर इंटरव्यू नहीं देखा तो मेरे हाँ हाँ नहीं मतलब गाने में पहली बार ही बताई उसने अपनी बातें तो बहुत सही है मतलब इससे ना लोग इंस्पायर भी होते हैं जैसे हम दोनों अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं रैपिंग वगैरह जो भी है मतलब हमारा तो हमें भी मिलता है कि हाँ यार उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में मीन्स आप करते रहो अगर आपका काम अच्छा है तो आपको कभी ना कभी मिल जाएगा मेहनत कर रहे हो जो भी है मतलब आपको अचीव करोगे आप कभी ना कभी करोगे आप हार्डवर्क करते रहो और पेशेंस बिल्कुल सही पेशेंस यही है भाई इतना ही कहना चाहेंगे कृष्णा मैन लेजेंड है रिएक्शन आते रहेंगे चैनल करें सब्सक्राइब
वीडियो करें लाइक बाकी अगर आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कुछ सजेशन है वो दें। हाँ जी सजेशन बिल्कुल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।